गुड मॉर्निंग गाइस, आज 25 अप्रैल है और कल मेरे पेरेंट्स का वेडिंग एनिवर्सरी है जो कि 26 अप्रैल। तो मैं सोच ही रहा था कि सरप्राइज़ क्या दूँ, मतलब ऑब्वियसली यार पेरेंट्स है, पेरेंट्स ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए तो सरप्राइज़ तो बनता ही है। तो इसके पहले भी मैंने बहुत बार सरप्राइज़ दिया उन्हें, तो मेरे मम्मी पापा के वेडिंग का कोई वीडियो नहीं है, मतलब उन्होंने वीडियोग्राफर हायर नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, जितने भी फ़ोटो हैं एल्बम के वो सब ले लिए और गैलरी से, मोबाइल के गैलरी से दो तीन फोटो ले लिए, प्रॉपर सिनेमैटिक वीडियो बना के मैंने उनको सरप्राइज़ किया था। और लास्ट वाले इसमें जब लॉकडाउन था तब मैंने उनको ऐसे ट्रेजर हंट खिलाया था घर के अंदर ही, ऐसे चीट्स बनाई थी प्रॉपर, जिसमें ऐसे मैंने शायरी लिखी थी और वो शायरी इंडिकेट्स करके कोई लोकेशन, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने चीट दी वो पढ़ोगे तुम, वो इंडिकेट करेगी तुमको वॉशिंग मशीन पे, फिर वॉशिंग मशीन पे और एक क्लू मिलेगा वो डायरेक्ट करेगा तुम्हें फॉर एग्जाम्पल फ्रिज पे, फ्रिज से तुम अलमीरा, अलमीरा से ओवन, ऐसे ऐसे करते करते जो फाइनल क्लू होगा वो हमारे घर में हॉल में एक फैमिली फोटो है वहाँ पे डायरेक्ट करेगा। और वहाँ पे एक था सरप्राइज, किसी को चाहिए तो आइडिया तुम यूज़ कर सकते हो। तो इस बार मैं सोच ही रहा था क्या करूँ करके, तो मुझे याद आया कि बस कुछ दिन पहले मेरे पापा मम्मी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, मतलब झगड़ा नहीं ऐसी बातचीत हुई, तो वो बोल रहे थे कि बाल काट दे, बाल मूछ वगैरह सब कुछ काट दे और एकदम चिकना हो जा पहले सामान, तो मैं मना कर दो ऑब्वियसली, मतलब आई लाइक माई हेयर। तो मैंने सोचा चलो सरप्राइज़ कर देता उनको एकदम से हेवे होके, पर मेरे बाल काटने की हिम्मत नहीं हुई, तो आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं पूरा पूरा क्लीन से हो जाऊँ। टिल देन एंजॉय द वीडियो। तो भाई वो घड़ी आ चुकी है और ये रहा मेरा साथीदार जो फुल चार्ज है। पता नहीं यार मुझे अभी भी ये करना चाहिए क्या नहीं यार, मुझे पता है वो बहुत गंदा दिखने वाला, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी मम्मी चाहती है कि पूरी दाढ़ी हटा दो, ये तो प्रॉपर कट मार के एकदम सेट करके दाढ़ी रखो, मतलब दाढ़ी आने भी चाहिए उसके लिए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे पता है भाई बहुत गलत सीन होने वाला है, ये वीडियो डलेगी क्या नहीं डलेगी वो भी नहीं पता मुझे। हाँ जी भाई, तो कहते हैं ना नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ एंड सो इज माय बियर्ड, तो कभी ना कभी तो उगी जाएगी। वैसे किस्मत का नाम सुना आपने, चलिए कोई नहीं वीडियो एंजॉय करिए। बहुत गलत चीज है भाई, बहुत गलत चीज है, मैं सोचा था कुछ दिखूंगा एक नंबर पर बहुत गलत चीज है भाई, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा भाई। किसी की हंसी नहीं रुक रही थी तो किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। वैसे काफी ने कहा कि भाई अच्छा दिख रहा है, पर है तो वो दोस्ती, इतनी जल्दी भी बात कैसे ही मान लू। अब वो समय आ गया है जिसके लिए ये सब मैंने किया था, पर आप सब शायद किस्मत को भूल गए। मैंने कैमरा सेट किया ही था, मम्मी पापा को अच्छे से जगह बैठाया ही था, बस थोड़ी देर में कैमरा बंद हो गया और बस यही सब रिकॉर्ड हुआ। बस रिएक्शन की हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई है और वो कहते ना पार्टी मस्ट गो ऑन, तो बस बड़ों के आशीर्वाद से शुरुआत की, होममेड केक की कटिंग, मैरिज एनिवर्सरी पे हैप्पी बर्थडे जैसे गाने बोलने की कोशिश, पर तालियों से ही काम चलाया गया, फिर एक दूसरे को केक खिलाए गए। अब इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तो फोटोशूट तो बनता ही है, ये मेरे मम्मी के प्यारे से ड्रेस, कुछ कैंडिड फोटो, और ये फोटो पे तो मेरा दिल ही आ गया,
मतलब आखिर फोटोग्राफर तो मैं ही हूँ, और एक नेचर भी, और माँ बेटी का प्यार, या मेरे हैंडसम पापा, फिर पड़ोस की आंटी की लड़की ने एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बना के भेजा, थैंक यू ऋतुजा, और फिर ये मैं चिकना दोनों प्यारी माताओं के बीच बैठा, वैसे अच्छा दिख रहा हूँ यार मैं शायद। तो यही थी मेरी छोटी सी कहानी, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइए। तो इसी तरह मम्मी पापा के शादी को 21 साल पूरे हो गए। तो आज मैंने यह सीखा कि परिस्थितियाँ बदलती रहेगी, पर तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। मैं तो ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, भले ही रिकॉर्ड करके रख दिया था, और वीडियो डिलीट होने के बाद तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था, पर मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा एक बार ट्राई तो करके देख, सो नो मैटर व्हाट डू यू डू योर पेरेंट गॉट योर बैक। आखिर में मेरी एक ये फेवरेट वीडियो है जो मैंने कुछ साल पहले बनाई थी, लव यू मम्मी पापा।